क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक ऐसा महारिकॉर्ड बना दिया है जिसे यूट्यूब पर आज तक कोई भी नहीं बना पाया है। जैसे ही उन्होंने चैनल बनाया वैसे ही मात्र 24 घंटे में 20 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए और मात्र 22 मिनट में सिल्वर प्ले बटन आ गया और 90 मिनट में गोल्डन प्ले बटन आ गया और डायमंड प्ले बटन 12 घंटे में आ गया। ऐसा लगता है जैसे कि मानो किसी ने यूट्यूब हैक कर लिया हो, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको बता दूँ इसमें सबसे अधिक मुख्य पॉपुलरिटी की बात है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही पोस्ट डाली यूट्यूब चैनल खोला वैसे ही अपने इंस्टाग्राम पर जाकर के बता दिया कि वह आज आपको मैंने एक नया चैनल खोला है यूट्यूब पर और मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यूट्यूब पर ही बताऊंगा। लेकिन जैसे ही यूट्यूब पर उनके पॉपुलरिटी का फेमस हो गई और इसके बाद मैं बता दूँ आपको करते हैं टीम। लेकिन ऐसा लगता है जैसे फ्रेंड्स भगवान किसी किसी को इतना पैसा दे देता है, पता नहीं कैसे दे देता है। और चलिए बात करते हैं और मैं आपको बता दूँ श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बारे में। इसमें श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 236 रनों पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड 259 रन बनाकर 6 विकेट के नुकसान पर खेल रही है अभी, जिसमें क्रिस बॉक्स ने 3 विकेट लिए, शोएब बशीर ने भी 3 विकेट लिए। इधर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान ने अच्छी बढ़त हासिल कर ली है, 448 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही मोहम्मद रिजवान ने 171 रन पर खेल रहे थे, साउथ शकील आउट हो गए 141 रन पर। लेकिन शाहान मसूद ने कप्तानी में थोड़ा सा घाटा करते हुए मोहम्मद रिजवान का दोहरा शतक नहीं होने दिया। हो पाता नहीं हो पाता ये तो अलग बात है, लेकिन अब बात करते हैं ऊंचे पजामे वाले ने काफ़ी शानदार बैटिंग की थी इसमें। और बात करते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल में लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि कौन सी टीम अधिक सबसे मजबूत होने वाली है जैसे ही आईपीएल की नीलामी होगी। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको मुंबई इंडियंस की बात करते हैं जिसमें सबसे अधिक रायता फैला हुआ है और खिलाड़ी रिलीज मान लो, क्योंकि इसमें अभी कोई भी खिलाड़ी रिटेन लिस्ट में नहीं आया है। मान के चले थे जसप्रीत बुमराह आ सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में। चेन्नई सुपर किंग्स के लगातार खिलाड़ियों में भी बदरंग पड़ रहा है। इसमें रॉयल चेन्नई सुपर किंग्स में एमएस धोनी के लिए कुछ गोलियां लगाई जा रही हैं। काव्या मरण ने कही है बात कि कोई भी अनकैप्ड प्लेयर नहीं चुना जाएगा, क्योंकि काव्या मरण अपनी टीम में लेना चाहती हैं। लेकिन धोनी ऐसे हैं खेलेंगे तो चेन्नई के साथ ही, वरना किसी भी टीम के साथ नहीं खेलेंगे। चलिए बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बारे में। इसमें से 2-3 खिलाड़ी रिलीज होने वाले हैं। सबसे पहला नाम आता है के एल राहुल जाएंगे आरसीबी में, लगभग तय हो चुका है कि आरसीबी में जाने वाले हैं। आरसीबी के कप्तान बनेंगे या फिर ओपनर के तौर पर खेलेंगे ये एक देखने वाली बात होगी। इसके बाद चलिए बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। इसमें 2 मुख्य नाम आते हैं, तेजवेंद्र सिंह चहल और रियान पराग। इनमें से देखना ये होगा कि दोनों खिलाड़ी रिलीज होने वाले हैं, इन दोनों में से सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिकेगा। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो रियान पराग महंगे बिक सकते हैं, क्योंकि स्पिन की गेंदबाजी बहुत ही कमाल की कर रहे हैं इस टाइम पर। बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग में अभी उन्होंने कोई खास योगदान नहीं दिया है भारतीय टीम के लिए। इसके बाद देख लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी लगातार चर्चाएँ चल रही हैं कि क्या कप्तानी चेंज होगी इसी बार, क्योंकि भाई रोहित शर्मा पर भी लगातार नज़रें गड़ाई हुई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, क्योंकि ऋषभ पंत जाने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स में और उन्होंने पहले ही नाम बता दिया है कि मैं अपने परिवार में नाम आईपीएल नीलामी में देने वाला हूं। और इसी के साथ ईशांत शर्मा भी जाएंगे ऋषभ पंत के साथ, लेकिन ऋषभ पंत अधिक महंगे बिकने वाले हैं। लेकिन जब फ्रेंड्स आप सोचिए रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह में से इनकी तीनों की बोली लगती है, तो इन सब में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिकने वाला है कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या इनमें से एक खिलाड़ी ऐसा होगा जो सबसे महंगा होगा पूरे आईपीएल 2025 के लिए। इसके बाद करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जो कि एक टाइम पर बहुत ही मजबूत टीम बनी हुई है और पैट कमिंस तो कप्तान रहेंगे ही, लेकिन सबसे अधिक परेशान काव्या मरण दिखी आईपीएल की लगातार चर्चाएं चलते हुए, क्योंकि भाई इसमें अभी सनराइजर्स हैदराबाद के पास बहुत ही टेररिस्ट खिलाड़ी हैं। जो मान के चलो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेटुल्ला, हेनरिक क्लासेन। अब देखिए भाई 5 प्लेयर रिटेन किए जाएंगे तो इसमें से एक विदेशी खिलाड़ी आएगा मात्र, अब वो किस को रोकेगी। जहाँ तक हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेटुल्ला तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि भाई उसने तो आतंक मचा के रख दिया था आईपीएल 2024 में। इसके बाद देखते हैं केकेआर के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके अब की बार कोच चेंज हो गए, गौतम गंभीर तो हटी गई है, साथ में देखना होगा इसके कौन से कोच आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें से भी रिंकू सिंह तो भाई रिलीज होने वाले हैं रिंकू सिंह, लेकिन कोलकाता के पास एक सबसे बड़ी परेशानी है, रिंकू सिंह को रखेगी अंदर या सुनील नारायण को रखेगी अंदर। इसमें देखने वाली बात यह है, क्योंकि रिंकू सिंह या आंद्रे रसेल, इसमें सुनील नारायण और एक दो खिलाड़ी और हैं जो
मैं बता दूं पंजाब के बारे में, पंजाब की टीम में तो ऐसे खिलाड़ी हैं कि आशुतोष शर्मा को छोड़ करके और किसी भी खिलाड़ी को रिटेन ना करे, क्योंकि भाई सभी प्लेयर ऐसे हैं उसके बिल्कुल फ्लॉप टीम चल रही है, सबसे अधिक फ्लॉप टीम चल रही है। इसके बाद बता दूं मैं आपको कि सीएसके तो काफ़ी फेमस टीम है, और जिसमें आरसीबी ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन नहीं करने वाली है, बिल्कुल भी रिलीज कर दिया है।